अभी जो है हम आपको वो डॉग्स दिखाते हैं जो दोनों के दोनों सिद्धू पाजी के गाने में और अभी और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में जो है दोनों फीमेल्स आने वाली हैं शूट पे। हाँ ओए लो गाइस, तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ इंडिया की हर फैमिली, इनफैक्ट मेरी फैमिली का भी सबसे पहला डॉग जो कि है ये पोमेरियन। Yo, what's up everybody? क्या हाल चाल? So, आज का जो ब्लॉग है बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। मैं आपको कुछ ऐसे डॉबरमैन्स दिखाने वाला हूँ जो सेलिब्रिटी डॉबरमैन है बिकॉज वो कई गानों में आ चुके हैं। अभी रिसेंटली जो है हमारे सिद्धू मूसेवाले पाजी के एक शूट पे हम गए थे, उन डॉबरमैन्स को लेके। आपने शायद उस ब्लॉग उस वीडियो को देख भी लिया होगा, अगर नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो उस गाने का लिंक भी दूंगा, मेक श्योर आप वहाँ पर जाकर चेक करें। और हाय जैक, सो गाइस बहुत सारे लोग मेरी स्टोरीज में जैक को पहले ही देख चुके हैं और मीमी को तो आप पता ही है ना। तो जैक के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जैक कौन है, उसकी स्टोरी क्या है। और अभी हम जा रहे हैं उन डॉबरमैन से मिलने और आज आपको बताएंगे वो डॉबरमैन कौन से हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हैं, इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, 400,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं बहुत जल्दी, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। ओके गाइस, सो फिलहाल जो है हम पहुंच चुके हैं लोकेशन में। तो भाई ने ना यार बहुत बढ़िया सा एक, मतलब आप सेटअप तो नहीं कह सकते, बिल्कुल घर के साथ ही थोड़ी सी जगह पे डॉग्स रखने के लिए बहुत अच्छी तरीके से जो है चीज़ें मेंटेन की हुई हैं और अंदर छाव वाव कूलर वूलर लगाए हुए हैं। तो अभी आप अंदर चलते हैं और भाई से आपको मिलवाते हैं। और भाई को हमने पहले भी जो है हमारे डॉग शोज़ के एक ब्लॉग में कवर किया था, उनके पास एक बहुत बेहतरीन डॉबरमैन था उस टाइम, वो भी हमने कवर किया था। तो फिलहाल अभी अंदर चलते हैं। मंजीत पाजी हैं, हेलो मंजीत भाई। मंजीत भाई मुझे बहुत दिनों से बोल रहे हैं कि भाई मेरे जो है इंस्टाग्राम पे फॉलोवर नहीं बढ़ रहे, कुछ कराओ पुलकित भाई। तो मैं अपनी ऑडियंस को कहता हूँ कि भाई को फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और भाई को तंग करो फिर फॉलो करो। ओके गाइस, सो अभी हम पहुँच चुके हैं हमारे भैया के पास। कैसे हो पाजी, कैसे हो? तो लास्ट टाइम पाजी को, वैसे मैं तो अभी पीछे शूट पे भी मिला था, पर हम लास्ट टाइम पाजी को मिले थे डॉग शो में, राइट? तो उस टाइम पाजी आपके पास कौन सा वो डॉबरमैन था, आपको याद है? मेरे पास टाइसन था, वो इंडिया चैंपियन डॉग था, वो बैक ऑन कैनल वाला हमने था। क्या बात है यार। और ये कौन है भाई, ये भी कोई चैंपियन वैम्पियन लग रहा है? अच्छा, इसका नाम भी टाइसन है? टाइसन है, वही शेप में है। वाओ यार, उसका और इसकी और इसकी ब्लड लाइन क्या है? सर ये भी इंडिया चैंपियन का बच्चा है जी। अच्छा जी, तो ये पाजी मैं इसके कान पे देख सकता हूँ, इसके कान पे क्या तकलीफ हो रही है यहाँ पे? जख्म कर लिया था थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, तो ये अभी कितने टाइम का होगा? ये अभी 7.5 मंथ का है। भाई बहुत बढ़िया यार, अगर ये 7.5 मंथ का है उसके हिसाब से तो गाइस ये बहुत ज्यादा ही बढ़िया है। वाओ, और इसके जो पेरेंट्स है वो कौन है, इसके जो मदर फादर है? फादर इसका इंडिया चैंपियन है, टाइसन की लाइन में से। मदर इसकी वो भी एक बार चैंपियन रह चुकी है। तो मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में इसको भी आप शो के लिए तैयार करेंगे ही करेंगे, राइट? देखते हैं, शो के लिए कर रहे हैं तो वैसे तो वैसे अग्रेसिव तो नहीं है? नहीं, ऐसे इतना तो नहीं है। अच्छा, इतना तो नहीं, मतलब है थोड़ा बहुत तो, चलो मतलब है थोड़ा। तो फिर डॉबरमैन ब्रीड कब से रखनी शुरू किया यार पाजी आप? मेरे को 2015 से कर रहा हूँ मैं। अच्छा, 2015 से सबसे पहले फीमेल ली थी मैंने बच्ची, वो भी टाइसन की बच्ची थी। वाओ, तो टाइसन कितने टाइम से था आपके पास? टाइसन मेरे पास रहा तकरीबन 2.5 साल। वाओ, तो अभी आप सिर्फ सिर्फ क्या कहते हैं इनको डॉबरमैन ही कर रहे हैं, इससे अलावा और कुछ भी? डॉबरमैन ही कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत और ब्रीड का भी शौक है, पोमेरियन वगैरह का वो भी कर रहे। अच्छा, पोमेरियन रख रहे हैं आप? हाँ जी हाँ जी। यार बहुत पोमेरियन दिखाए हैं हमने कभी आज तक अपने व्लॉग्स में, जो पहला इंडियन डॉग हर घर का होता था, पोमेरियन नहीं दिखाया। पोमेरियन मेरे पास 4 स्टड है, वाओ ब्रीडिंग है, उसको भी शो करता हूं मैं। क्या बात है, आज हम पोमेरियन भी दिखाएंगे गाइस, तो ये सरप्राइज हो गया आपके लिए। और वो डॉग कहाँ है जो हम शूट पे लेके गए थे और जो उसके बाद बहुत ज्यादा शूट पे जा चुके हैं यार? वो हमारे पास ही है, दोनों फीमेल है हमारी। अच्छा, फीमेल थी ना वो? बिल्कुल, चेरी और कैली, टाइसन की बच्ची है वो। क्या बात है, उनको बुलाया। तो अभी हम गाइस आपको वो दिखाते हैं, अभी जो है हम आपको वो डॉग्स दिखाते हैं जो दोनों के दोनों सिद्धू पाजी के गाने में और अभी और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में जो है दोनों फीमेल्स आने वाली हैं। बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत ज्यादा शांत है। और ना कैमरे में जब आप उनकी फुटेज देखेंगे ना, जब गानों के अंदर भी आप देखेंगे, तो आप देखेंगे कि ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा वेल ट्रेन्ड है, जबकि वो इतनी ज्यादा स्पेशली इस काम के लिए नहीं है, मतलब वो इनके खुद के पेट्स हैं। ओए ये कौन है? ये चेरी है। ये चेरी है जी जी। ओए चेरी, ये सिद्धू पाजी के साथ बैठी है। हाँ ये मैम वहीं पे ही थे, मैं अभी आपको ना यहाँ पे क्लिप्स भी डालता हूँ। कैली कैली कैली, ओए आया, वो किधर है? थोड़ा बाहर आया हूँ, लेट बाहर आया हूँ, लेट बाहर आया हूँ, कैली थोड़ा। तो
ये कुछ इस तरीके से दो है, दोनों के दोनों बच्चे लग रहे थे। क्या बात है, इन दोनों की एज क्या क्या है पाजी? अभी 7.5 मंथ हुई है और 3 साल के करीब हो चुके हैं। ये 3 साल के करीब हो चुके हैं। मदरा ये पपी है। क्या बात है। तो यार इनका मतलब डॉबरमैन के अंदर मुझे एक चीज बताओ, आप तो डॉग शोज में ले जाते रहते हो, डॉबरमैन में स्पेसिफिकली क्या चीज देखी जाती है जो मतलब एक बढ़िया डॉबरमैन की होनी चाहिए? इसमें कुछ तो यूरोपियन में तो चेस्ट होती है। अच्छा, एक तो दो टाइप के डॉबरमैन होते हैं, अमेरिकन और यूरोपियन। अच्छा, तो क्या फर्क होता है दोनों में? ये देखो, ये अमेरिकन में है, इसकी चेस्ट अंदर है। अच्छा, एक्चुअली यूरोपियन थोड़े अग्रेसिव होते थे, अमेरिका ने फिर इसे थोड़ा बहुत चेंज करके तो शांत बना दिया। जो हमारा टाइसन है वो यूरोपियन में, हाँ, और ये अमेरिकन में। अच्छा, एक बार लाएंगे टाइसन को, मैं आपको फर्क भी दिखा देता हूँ गाइस। ओके गाइस, तो अभी जो है मैं आपको दिखाता हूँ दोनों टाइप के डॉबरमैन। तो पहला टाइप ये है अमेरिकन। तो इसका जैसे हम देख सकते हैं, मैं आपका कैमरा खुद पकड़ता हूँ, तो इसके अंदर जैसे मैं आपको दिखाऊं तो इसकी जो है ये जो चेस्ट है वो बिल्कुल प्लेन है, फेस थोड़ा पतला होता है और बॉडी स्ट्रक्चर भी थोड़ा नॉर्मल होता है, ठीक है। और यूरोपियन का आप देख सकते हो, ये भी 7.5 मंथ की फीमेल है, वो भी 7.5। अच्छा, ये यूरोपियन है, ये यूरोपियन है। इसकी जैसे आप देख सकते हो, इसकी जो चेस्ट है यहाँ से बाहर निकली हुई है, फेस इसका अलग है, बोन स्ट्रक्चर में भी फर्क है यार इनके। तो वैसे तो मेल फीमेल में फर्क होता ही है बोन स्ट्रक्चर में, वर्किंग डॉग होते हैं इसलिए। अच्छा, तो डॉबरमैन एक टाइम पे तो बहुत ज्यादा पाले जाने वाली ब्रीड में से थी ना, एकदम पहले बदनाम हो चुकी थी ये ब्रीड, लेकिन ये ब्रीड बहुत अच्छी ब्रीड है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है अगर डॉबरमैन एक घर में है तो आप को और कोई डॉग की जरूरत नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं। वाह यार, क्या बात है। तो ये दोनों जो फीमेल्स थी गाइस, एक ये और ये अब सेलिब्रिटी बन चुकी है। हाँ, ये दोनों सेलिब्रिटी, माँ बेटी है ना? जी जी बिल्कुल, मदर एंड बेटी। हाँ, ये माँ बेटी की जोड़ी अब गानों में आने लगी है। वाओ, अभी इसके बाद इनका और भी एक जस बाजवा पाजी के साथ, वाओ यार, वो प्रोजेक्ट भी अभी इनका बहुत जल्दी आ रहा है। तो गाइस आप टाइम में और भी शूट में इनमें, हाँ, और भी बहुत सारे शूट्स में हम इनको लेके जाएंगे। ओए वाओ, सिद्धू बाजी ने बोला था कि लेकिन बहुत अच्छी है ये दोनों। हाँ, ये तो उनके पास भी एक डॉबरमैन है। ओके गाइस, तो ये सभी के सभी यहाँ पर सारे डॉबरमैन आ गए हैं। सारे के सारे डॉबरमैन भाई आपने यहीं पर रखे हुए हैं? बिल्कुल, यहीं पे भी हैं और भी साइड में फ्रेंड सर्कल में भी दे रखे हैं हमारी, जो अच्छी केयर कर सके। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, देख सकता हूँ मैं सारे बहुत प्यारे प्यारे डॉबरमैन है। और ये सही देखना गाइस, ये कितना सही बनाया हुआ है कि एक बेल घर में ऐसे लग जाए जिससे डॉग्स को अच्छी छांव मिल सके, और वहाँ कूलर भी लगा हुआ है, तो ये बहुत सही चीज़ मुझे ऐसा लगा। और अच्छी खासी जगह है, बाहर भी इधर भी ग्राउंड है, अच्छी खासी जगह है इन सब के लिए। बट ये बहुत ज्यादा ट्रेनिंग मांगते हैं डॉग्स, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। और ये अच्छी खासी डाइट भी खाते होंगे? वो तो खाते हैं, देखो अगर रखे हैं तो डाइट तो डालना ही पड़ेगा। तो कितनी डाइट आप इनको नॉर्मल डेज पे, कितना क्या एक डॉग की क्या डाइट रहती है एडल्ट? मॉर्निंग में तो इसे देते हैं दही और फीड। ओके, शाम को देते हैं हमें चिकन भी देते हैं, चावल भी देते हैं, और फीड भी हो जाता है। जैसे डॉग मीटिंग करता है उसके लिए एग वगैरह उसी हिसाब से देनी पड़ती है डाइट। ठीक है, तो मतलब ये अच्छी खासी डाइट खाते हैं। डाइट और एक्सरसाइज, तो अगर कोई इनको लेना चाहे तो सबसे पहले तो मैं यही रेकमेंड करूंगा कि उनके पास जगह हो इन सभी डॉग्स को रखने के लिए, एक बहुत अच्छा स्पेस हो एक डॉग को भी रखने के लिए, साथ ही साथ उस पर टाइम हो इनको खिलाने के लिए, कूदना, इनको खेलना। एक्टिव ब्रीड है गाइस, अगर ये थकेगी नहीं तो ये अग्रेसिव बन जाएगी। बिल्कुल, ठीक है ना। अगर ये थकेगी तो उसके बाद ये आपकी पूरी ट्रेनिंग दोगे इसको तो आपकी सारी बात मानेगी, है ना? बिल्कुल जी, बिल्कुल। वाओ, तो अभी बाजी हम दिखाते हैं सबसे पहले पोमेरियन और वो। तो गाइस ये मैं आपको दिखाता हूँ ना, ये बेल है अंगूरों की, और यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही मस्त अंगूर भी लगे हुए हैं। वाह, और ये मतलब मुझे बढ़िया लगा यार ये अंगूर वाला कॉन्सेप्ट। हेलो गाइस, तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ इंडिया की हर फैमिली, इनफैक्ट मेरी फैमिली का भी सबसे पहला डॉग जो कि है ये पोमेरियन। हाय, और सबसे ज्यादा कॉमन नाम इनका होता है टफी है ना, जिमी टफी। इसका क्या है? पफी। पफी। अच्छा, ये जितने शांत लगते हैं उतने ये चिरचिरे भी होते हैं, यानी कि ये अग्रेसिव होते हैं। गार्डिंग डॉग है ये भी। गार्डियन डॉग भाई, इनसे नहीं पंगा लिया जा सकता, डॉबरमैन से फिर भी एक बार इंसान ले ले, इनसे ना ले। तो ये कितनी कितनी एज के हैं तीनों? ये 3 साल का हो गया। अच्छा, ये बीओबी लग चुका है। अच्छा, ये बीओबी लगा हुआ है। ओए, आरबीओबी लग चुका है। रैम्बो। रैम्बो। और इसका ये पापा
बच्चा इसका पिस्टल पपी बोलते हैं इसे। अच्छा ये भी 9 मंथ का हो चुका है। वाह, और ये अभी हुआ 13 मंथ का। हेलो, वाह यार, तो मतलब ये आप, मैं पहली बार मैंने मतलब पोमेरियन किसी को ऐसे रखते हुए देखा, बहुत अच्छा लगा बहुत टाइम के बाद। बाकी गाइस आप जो हैं जिसे जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको डॉबरमैन या पोमेरियन दोनों ब्रीड में से किसी के बारे में भी कुछ नॉलेज चाहिए तो मैं पाजी का जो है इंस्टाग्राम या फिर उनकी सारी डिटेल्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो आप मेक श्योर चेक दैट आउट, आप जाएं वहाँ पर। ओके गाइस, सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इनके पास 2 लैब्राडोर भी है मेल। इतने कितनी एज के हैं पाजी दोनों? 2.5 साल के करीब है। अच्छा, ये 8 मंथ का। ये आगे वाला 8 मंथ का है? जी 8 मंथ का, इसी का बच्चा ही। अच्छा, ये बाप बेटे हैं? जी बाप बेटे। अरे वाह भाई। हेलो, सो गाइस लैब्राडोर मेरी वन ऑफ द फेवरेट ब्रीड है। अच्छा, तो यार इनका तो अच्छी खासी डाइट रहती होगी लैब्राडोर की, है ना? डॉबरमैन की और देने की सेम ही चलता है बस, है ना? सेम डाइट है इनकी लैब्राडोर। बाकी पोमेरियन छोटी मोटी ब्रीड है, वो बेचारे थोड़ा थोड़ा सा खाते हैं। बिल्कुल। ओए हाँ, गुड बॉय। बस, रुक जाओ, नो। विद दैट करते हम आज के व्लॉग का एंड। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। तो बाकी पाजी थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम निकाला। अरे 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 अरे, बस। और हमने आज बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अपने ऑडियंस को डॉबरमैन के बारे में बताई हैं, और मैं चाहता हूँ कि इसके बाद हम और भी वीडियो बनाएं जो स्पेशली डॉबरमैन पे हों। और बाकी शूट की क्लिप्स हैं, आप पाजी के इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं जो भी और शूट्स में जो इनके डॉग्स गए हैं। बाकी और ये दोनों तो मुझे बहुत बढ़िया लगे। गुड बाय।